हमारी चैनल जय गिरिराज में आपका स्वागत है। सज्जनों, आज हम कुछ प्रातः स्मरणीय श्लोक उसके अर्थ के साथ बोलेंगे। अर्थ मालूम हो और श्लोक का पठन करे उसका आनंद ही कुछ और है। तो आइए हम कुछ प्रातः स्मरणीय श्लोक का पठन करें। सुबह नींद से जागे तभी अपना हाथ देखते समय यह श्लोक बोले, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम्। हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, हाथ के मूल भाग में सरस्वती तथा हाथ के मध्य भाग में गोविंद का वास है, इसलिए सुबह में उठते ही हाथ का दर्शन करे। सुबह नींद से जागे और पांव जमीन पर रखते समय पहले ये श्लोक बोले, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्र पहने है तथा पर्वत रूपी स्तन मंडल है और विष्णु भगवान की पत्नी, हे पृथ्वी देवी, आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे पाव का स्पर्श होता है इसलिए आप मुझे क्षमा करें। जगत गुरु श्री कृष्ण को वंदन। वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वसुदेव जी के पुत्र राजा कंस और चाणूर मल्ल को मारने वाले, माता देवकी जी को परम आनंद देने वाले और जगत के गुरु ऐसे श्री कृष्ण भगवान को नमन करता हूँ। माधव को वंदन। मूकं करोति वाचालम, पंगुम लंगयते गिरिम, यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। जिसकी कृपा से गुंगा बोलने लगता है और अपंग पर्वत पार कर लेता है वही परमानंद रूप माधव भगवान को नमन करता हूँ। देवियों को प्रणाम। नमो देव्यै महादेव्यै, शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियताः प्रणतास्मतम्। देवी को, महादेवी को तथा कल्याण रूप देवी को बारंबार नमस्कार है। प्रकृति देवी तथा भद्रकाली देवी को नमस्कार। नियम के पालन करने वाले हम देवी के सामने समर्पित है। सुबह दातुन करते समय बोलने का यह श्लोक है, आयुर्बलम यशो वर्चः, प्रजा पशून वसूनि च, ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च, त्वन्नो देही वनस्पते। हे वनस्पति, आप हमें आयुष्य, बल, यश, तेजस्विता, प्रजा, पशु और धन तथा ब्रह्म को जानने समझने की तेजस्वी बुद्धि प्रदान करें। चार नामों का संकीर्तन करें। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोकाच वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दनः। नल राजा, युधिष्ठिर, सीताजी और जनार्दन भगवान पुण्य कीर्ति वाले थे। सात चिरंजीवी का स्मरण। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, दानवीर बलिराजा, पुराणों और महाभारत के रचनाकार व्यास मुनि, भगवान रामचंद्र जी के सेवक हनुमान तथा विभीषण, कृपाचार्य और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करने वाले भगवान परशुराम, ये सात चिरंजीवी है। पांच सती का स्मरण करें। अहल्या द्रौपदी सीता, तारा मंदोदरी तथा, पंचकन्ना स्मरे नित्यम, महापातक नाशनम। गौतम पत्नी अहल्या, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, श्री रामचंद्र की पत्नी सीता, हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती तथा रावण की पत्नी मंदोदरी, यह पांच महासतियों, उसका नाम जो रोज स्मरण करे उनके बड़े पापों का नाश होता है। सात मोक्षपुरी का स्मरण करे। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव, सप्तैता मोक्षदायिका।
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारिका यह सात मोक्ष देने वाली महानगरिया है। नारायण को वंदन। नारायणम निराकारम नरवीरम नरोत्तमम नृसिंहम नागनाथं च तं वंदे नरकांतकम्। निराकार शूरवीर नरोत्तम नृसि भगवान काली नाग का दमन करने वाले और नरक के अंत लाने वाले नारायण प्रभु को वंदन करता हूँ। रघुनंदन राम जी को वंदन। राघवम रामचंद्रम च रावणारिं ब्रह्मापतिम राजीव लोचनम रामम तं वंदे रघुनंदनम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र भगवान रावण के शत्रु और सीता जी के स्वामी कमल समान नेत्र वाले रघुनंदन श्री राम को वंदन करता हूँ। सुबह सुबह नवग्रहों का स्मरण करे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। जगतकर्ता ब्रह्मा जी मूर दैत्य को मारने वाले विष्णु भगवान त्रिपुर राक्षस को मारने वाले शिव जी और सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु यह नवग्रह मेरी सुबह आनंदमय करो मंगलमय करो। गुरु जी को नमस्कार करे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुनिया के दुखों को दूर करने का मार्ग दिखाने वाले गुरु वही ब्रह्मा है। वही गुरु सर्वव्यापक विष्णु है। वही गुरु महादेव है। ज्ञान देने वाले सच्चे गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी माता को नमस्कार। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। लक्ष्मी जी की सखी तथा कल्याण करने वाली पाप को हरने वाली पुण्य को देने वाली और नारद जी जिनकी स्तुति करते हैं जो नारायण को प्रिय है ऐसी तुलसी माता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्नान करते समय बोलने का श्लोक यह है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी नदियाँ आप सर्वे मेरे नहाने के जल में प्रवेश करें। नदियों की प्रार्थना करके मंगल कामना करें। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्ण पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। गंगा सिंधु सरस्वती वगैरह नदियां है प्रसिद्ध नदियां पवित्र जल से परिपूर्ण होके समुद्र के साथ मिलके मेरा कल्याण करो। गंगा जी को नमस्कार करे। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। हे गंगा जी आप देवों तथा दैत्यों से पूजनीय है अलौकिक रूप वाली हो। आपके चरण कमल में वंदन करता हूँ। आप मनुष्य को हमेशा उनकी भावना अनुसार संसार के भोग और मोक्ष प्रदान करती हो। सूर्य को नमस्कार करे। आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदि देव सूर्य नारायण आपको नमस्कार है। प्रकाश देने वाले भास्कर आप प्रसन्न हो। हे दिवाकर देव आपको नमस्कार है। हे प्रचंड तेज वाले प्रभु आपको वंदन हो। सूर्य नमस्कार का फल है आदित्यस्य नमस्कारम
ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो मनुष्य हर हमेश रोज सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनको हजारों जन्मों में दरिद्रता प्राप्त नहीं होती है। भोजन करते समय बोलने का श्लोक यह है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। रोज पंच महायज्ञ करने के बाद प्रसाद रूपी अन्न का भोजन करते हैं, ऐसे सदाचारी जनों सब पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन जो सिर्फ स्वयं के लिए भोजन पकाते हुए और खाते हैं, वह पापी पाप को ही भुगतते हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण करने का साधन ब्रह्म है, अर्पण करने के पदार्थ ब्रह्म है। ब्रह्म द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में जो आहुति देते हैं वह भी ब्रह्म है। ऐसी ब्रह्म कर्म रूपी समान बुद्धि वाले अंत में ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यति कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो भी करे और जो भी खाए, हवन करे, दान करे और जो भी तप करे, वह सर्व मुझे अर्पण कर। अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब प्राणियों के देह में रह के वैश्वानर अग्नि का रूप लेके प्राण पान वगैरह पंचवायु को नियम में रख के प्राणी जो चार प्रकार का भोजन करता है वह मैं पचाता हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हमारी यानी गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करो, हमारा पालन करो, हम साथ रह के तेजस्वी दैवी कार्य करें। हमने किया अध्ययन जो तेजस्वी और दैवी हो और हम परस्पर एक दूसरे पर द्वेष न करें, ऐसी प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सज्जनों, हमारी चैनल जय गिरिराज को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।